तो दाजी यहाँ पे बना रहे हैं, सूजी बनाने पे लगे हुए हैं। और जब भी कोई शादी ब्याह कोई भी जब फंक्शन होता है तो उसमें सूजी जरूर बनती है। लोग रोटी बना रहे हैं, दादी लोग यहाँ पे लगे हुए रोटी बनाने पे, और यहाँ पे हम लोग चाय बांटने पे लगे हैं। दादी जी को हो गया है यहाँ पे धुआं और आँख में दादी जी के धुएं लग गया। बस दादी जी ने बड़े गिलास में ले लिया चाय और दादी जी करेगी और दो इसमें बड़े वाले में। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सौरविश ब्लॉग देव भूमि उत्तराखंड की पहाड़ की नरसिंह जी वादी में स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत शाम के 4:30 बजे से हो रही है। मौसम पूरी तरह चेंज है, आपको पहले मौसम वगैरह दिखा देता हूं मैं। काफी काले बादल हैं, सुबह भी थोड़ी हल्की बूंदाबांदी हुई है और थोड़ा सा मौसम आज भी गड़बड़ है, लगातार मौसम गड़बड़ रह रहा है। और ऊपर पे जब भी यहाँ पे बारिश आती है, ऊपर वाली चोटी पे बारिश पहले गिर जाती है, तब यहाँ पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है। और इसकी वजह से हमें सबसे पहले पता चल जाता है, हल्की ऊपर से बूंदाबांदी वहाँ पे होती है तो यहाँ पता चल जाता है बारिश आने वाली है। तो इस तरह मौसम पूरा गड़बड़ हो रखा है। आज हमारे गांव में सगाई की मेले की रात है और यहाँ पे हमारे गांव भोज है और वहाँ पे लोग गए हैं, वहाँ पे मैं भी जाने वाला हूँ। तो आप लोगों को वहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या वहाँ पे काम हो रहा है। वहाँ पे इस समय खाना वगैरह बन रहा है और मैं उस समय सब्जी वगैरह जब काट रहे थे तब मोबाइल नहीं ले जा पाया वहाँ पे, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं हो रखा था। अब जा रहा हूँ वहाँ पे तो देखता हूँ क्या क्या वहाँ पे हो रहा है। दाजी और मेरे को दीदी यहाँ पे चाय बनाने की जिम्मेदारी दे रखी है, तो दाजी यहाँ पे आग जला रहे हैं और जो हमने लकड़ी लगा रखी थी तो वो उस पर वो ज़्यादा आग पकड़ रही थी, जिसे गढ़वाली में कहते हैं चूल्हा, तो वो चूल्हे वाली लकड़ी थी तो यहाँ तो ये ज़्यादा वो थी। और दूध यहाँ पे आ चुका है, चाय पत्ती चीनी और गिलास यहाँ पे आ चुके हैं और गाँव के और लोग यहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे, और साग सब्जियाँ वहाँ पे बन रही हैं सामने पे, और रोटियां महिलाएं सामने पे, ये घर दिख रहा होगा यहाँ पे रोटियां बना रही है और यहाँ नीचे पे रोटियां बन रही हैं और दादी में यहाँ पे चाय बनाने पे लगे हुए हैं। तो हम चाय बन रही, हमारा छोटा भाई आ गया है यहाँ पे, आग भी सेकेगा और टोपी वगैरह लगा के आ रखा है। हाँ, और हमारा छोटा भाई यहाँ पे हंस रहा है, देखो भाई काफी मजे कर रहा है। हेलो कर ये देखो हमारा भाई हेलो कर रहा है और हम दोनों भाई चाय बनाएंगे, ठीक है चाय बनाएंगे हम दोनों भाई। गाँव के लोग रोटी बना रहे हैं, दादी लोग यहाँ पे लगे हुए रोटी बनाने पे और यहाँ पे हम लोग चाय बांटने पे लगे हैं। तो चाय जी को हो गया है यहाँ पे धुआं और आँख में दादी जी के धुएं लग गए, यादगार हम इन लोगों के लिए चाय। और यहाँ पे हमारी छोटी सी बुल्ली, और यहाँ पे वीडियो बनाने के चक्कर में चाय नीचे गिर गई है, हमाम तो बहुत खुश हो रही है। तो हमारी चाची जी लगी हुई है रोटी बनाने पे और दूसरे चाची जी रोटी सेकने पे, भूली चाय पीने पे, और भूली चाय पीने पे, और छोटी यहाँ पे गिलास चाय का कप पकड़ के बैठी हुई है। और ये भाई तीन लोगों के लिए चाय रख दी है हमने, और ये हमारी चाची जी का गिलास और रोटी चाची जी ने जला दी है और यहाँ पर भी रोटी बना रहे हैं। ये देखो कितने अच्छे चाय बन रखे हैं, टेस्टी हो रही है। अरे ये बिल्कुल हमने बनाई ने बुलाया सर का गिला, तो यहाँ पे छोटी छोटी बुली और छोटा भाई भी आया है और इनको भी मैं चाय, चाची हमारे हेल्प कर रहे हैं जो गिलास चाची जी के पास है। और ये दादी चाय दे दी है, कुछ लोग यहाँ पे बना रहे हैं और कुछ और ऊपर हैं। बस दादी जी ने बड़े गिलास में ले लिया चाय और दादी जी करेगी और दो इसमें पड़े वाले में। ये मस्त और थोड़ी ठंडी भी है और इसकी वजह से थोड़ी चाय ज्यादा पी रहे हैं। तो मैं और चाय जी अलग घरों में रोटियां बना रहे हैं, नीचे से तो मैं आ गया हूँ और यहीं पे है, यहाँ पर चाय दी जा रही है और यहाँ पे भी बना रहे हैं लोग रोटियां। तो हमारी चाची जी यहाँ पे बना रहे हैं, दोनों चाची जी घर के अंदर, तो चाची जी के घर पे ही यहाँ पे बाहर पे बना रहे हैं और चाची यहाँ अंदर पे बना रही हैं रोटियाँ। तो भाई पहाड़ों में ज़्यादातर लकड़ी वाले चूल्हे का यूज़ किया जाता है और ये यहाँ पे अंदर पे बनाए हैं।
हमारे बुलिया देखो यही तक हमें चाय देनी है। और यह देखिए यहाँ पे बनाई जा रही है रोटी, और यहाँ पे हमारी मेघा बुल्ली और भाभी लोग यहाँ पे बना रहे हैं रोटी। और मेघा बुल्ली देखो भाई ये लो, तो हमारी छोटी बुल्ली पिएगी यहाँ पे चाय। तो दादी यहाँ पे बना रहे हैं, सूजी बनाने पे लगे हुए हैं। और जब भी कोई शादी ब्याह कोई भी जब फंक्शन होता है तो उसमें सूजी जरूर बनती है, तो यहाँ पे रिफाइंड में सूजी को भुना जा रहा है। तो दादी यहाँ पे सूजी को भुनने पे लगे हुए हैं, तो थोड़ी देर जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे हल्का भुनते ही रहेंगे। दादी यहाँ पे सूजी भुनने पे लगे हैं, और चाचा जी यहाँ पे गुड़ तोड़ने पे लगे हुए हैं जो कि सूजी के लिए। और चाचा जी यहाँ पे दाल बना रहे हैं, जैसे पहाड़ों में कहते हैं गेड़ू, तो इस गेड़ू पे बनाते हैं दाल। तो ये रहा गेड़ू, तो चाचा जी दाल बनाने पे लग गए यहाँ पे। बाकी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सामने पे, पापा लोग, चाचा से भी लोग। तो यहाँ पे गुड़ का पानी इसमें ऐड कर दिया है, तो हमारे चाचा जी लगे हुए हैं यहाँ पे गुड़ का पानी डालने पे। तो यहाँ पे इसमें गुड़ का पानी ऐड कर दिया है सूजी में मीठा, और इसमें नारियल कटिंग करके यहाँ पे रखा हुआ है। काजू डाल दो काजू। अच्छा जी, और गर्म पानी इसमें डालने पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सूजी के लिए गर्म पानी कर रखा था, और यहाँ पे ऐड करने पे लगे हुए हैं। तो हमारे दास जी थोड़ा मुनाका भी डालो भाई, मुनाका मुनाका भी गए। और ये देखो भाई, ये नारियल कटिंग रखा था, इसके ऊपर से नारियल भी डाल दिया है। तो आज सूजी दाद जी बना रहे हैं, और चाचा जी इसमें गर्म पानी डाल रहे हैं। ये उबला हुआ पानी, उबला हुआ पानी। तो मैं पहुंच चुका हूं घर, और यहां पर मम्मी जी काटने पे लगे हैं केले के पत्तों को। और मम्मी कह रही कि भैंस दूध नहीं दे रही है, जो लेके आ रहे थे भैंस के लिए हरा घास तो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे केले के पत्तों और ये काटने पे लग गए। तो एक ये तो काट दिया है, और एक और काटेंगे। तो मम्मी ने तो एक तो निकाल दिया है, कभी कभार भैंस दूध नहीं देती है तो फिर उसके लिए और हरा घास निकालना पड़ता है। और यहाँ पे घर के ही पास में, हमारे घर के आगे पे ये केले के पत्ते हैं, तो इनको निकाल दें। ये देखो, ये दूसरा भी निकाल दिया है, फिलहाल काम चलाने के लिए तो हो जाएगा अभी। तो ये है भाई मम्मी का कैसा भैंस फेवरेट घास। हाँ, तो भैंस से दूध निकालने के लिए ये वाला हरा घास लेके जा रही है मम्मी। तो चाची लोग आ चुके हैं गौशाला से घर, और ये लोगों ने जल्दी आ गए हैं आज गौशाला से। और ये देखो भाई, ये हमारी सोले दादी पीछे पीछे। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करते हैं, क्योंकि आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय, मिलेंगे नई वीडियो में नई लोकेशन पे नए लोगों के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।